मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है। अगर स्कूल संचालकों ने बच्चों के अभिभावकों पर किसी निर्धारित दुकान से शिक्षक सामग्री या ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूल संचालकों पर 2,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूलों में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर निर्धारित दुकानों से ही शिक्षण सामग्री और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बनाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी का मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभिभावकों पर दबाव बनाने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव को भी इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए। यादव के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर कहा है कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।